बिहार की बेटी जिसने तय किया बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक का सफर। बिहारी बेजोड़ के आज के सेगमेंट में बात एक ऐसे बिहारी के बारे में जिन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री से लेकर हॉलीवुड तक में अपनी एक अलग पहचान बनाई। इस बिहारी अभिनेत्री का जलवा बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक तो रहा ही, साथ ही साथ इन्होंने तमिल, तेलुगू और कन्नड़ जैसी फिल्मों में भी खूब काम किया है। इतना ही नहीं, इस अभिनेत्री के बारे में बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि वह ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट प्राप्त कर चुकी है। बिहार जैसे छोटे से प्रदेश में अगर कोई लड़की अपने माता पिता को यह कहती है कि उन्हें भविष्य में अपना करियर एक अभिनेत्री के तौर पे आगे बढ़ाना है, तो यह इतना आसान नहीं है। नीतू चंद्रा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। आज हम नीतू चंद्रा के जीवन से जुड़े उन सभी पहलुओं के बारे में जानेंगे, उनके संघर्ष के दिनों के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक के सफर के बारे में जानेंगे। नीतू चंद्रा का जन्म 20 जून 1984 को बिहार में हुआ था। उनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई पटना के नॉटिंगहम एकेडमी में हुआ। उनके बचपन से ही ग्लैमरस पसंद था। उन्हें बॉलीवुड और मॉडलिंग की दुनिया में मन लगता था। नीतू फिर आगे बढ़ी और पढ़ाई के लिए दिल्ली चली गई, जहां उन्होंने आईपी कॉलेज से बैचलर की डिग्री प्राप्त की। हालांकि इसी दौरान नीतू मॉडलिंग की दुनिया में भी प्रोग्रेस कर गई थी, लेकिन उनके पिता नीतू के इस करियर से खुश नहीं थे। हालांकि इस दौरान माता और पिता का पूरा साथ मिला। स्कूल के दिनों में नीतू एक बेहतरीन खिलाड़ी भी रही। उन्होंने ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट प्राप्त किया था। बहुत कम लोगों को यह पता है कि नीतू चंद्रा ने राष्ट्रीय खेलों में सिल्वर मेडल भी जीता है। साल 1997 में उन्होंने हांगकांग में आयोजित हुई बल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था। तब वह कॉलेज के दिनों में भी उसी समय से उन्होंने मॉडलिंग में काम करना शुरू किया। स्कूल खत्म होने के बाद उनके मन में था कि अब क्या किया जाए। हालांकि स्कूल के दिनों में उन्होंने खेल में इतना कर दिया था कि अब उन्हें खेल से जी भर गया था। उन्होंने कहा कि अब हमें दिल्ली में पढ़ना है, और यहां आकर उन्होंने आईपी कॉलेज में अपना एडमिशन करवा लिया और मुंबई में घूमने के लिए पहुंच गई। मुंबई जाने के बाद उनके मन में यही चल रहा था कि फिल्में कैसे बनती है। उन सभी चीज़ों को देखने के लिए उनके मन में एक उत्सुकता सी जगी, और वो जो है बात उन्हें मुंबई तक के लिए खींच कर लेकर चली गई। इन दिनों तक नीतू चंद्रा जो है कई विज्ञापनों में काम कर चुकी थी। इसी दौरान उन्होंने पार्कर फेन का भी एक ऐड किया था, जिसमें उनके साथ अमिताभ बच्चन भी साथ थे। इस विज्ञापन का डायरेक्शन जो है प्रियदर्शन ने किया था। उन्होंने विज्ञापन शूटिंग के दौरान ही नीतू चंद्रा से कहा कि तुम्हारे आँखें बोलती है। ऐसे में नीतू चंद्रा को लगा कि ये क्या हो गया, आँख भी क्या बोलती है। तब प्रियदर्शन ने कहा कि हमें एक फिल्म कर रहे हैं गरम मसाला, तुम उसमें काम करोगी। तब नीतू चंद्रा ने उनसे पूछा कि इस फिल्म में उन्हें कितना पैसा मिलेगा। इसका जवाब था 3 लाख से आसपास। फिर क्या था, नीतू चंद्रा ने हाँ कह दिया। इनके दिमाग में यही चल रहा था कि इतने पैसे से तो हमारा 2 साल का रेंट हो जाएगा। इस दौरान उन्होंने यह भी नहीं पूछा कि इस फिल्म में हमारे साथ हीरो कौन होंगे। हालांकि बाद में यह फिल्म बनी और लोगों को खूब पसंद आने लगी। इसके बाद उन्होंने ट्रैफिक सिग्नल को लेकर बोलते हुए कहा कि मधुर भंडारकर साहब अपनी फिल्म के लिए एक हीरोइन को खोज रहे थे, और मैंने उन्हें मैसेज किया कि मैं हूँ आपकी स्मिता पाटिल। इसके बाद गाड़ी आगे चल निकली। इसके बाद ओए लक्की लक्की ओए फिल्म आई, जिसमें इस फिल्म के डायरेक्टर दिवाकर बनर्जी ने कहा कि आपकी दोनों फिल्में अलग हैं, मैं इस फिल्म को लेकर आपसे ऑडिशन लेना चाहूँगी। हालांकि इसके बाद नीतू चंद्रा ने उनके डायरेक्शन में कई और विज्ञापन का काम किया था। इसके बाद भी उन्हें 3 ऑडिशन के साथ जो है इस फिल्म में काम करने का मौका मिला। इसके बाद आई फिल्म 1-2-3, जिसमें नीतू चंद्रा एक पुलिस वाले के किरदार में दिखाई दी। इसी तरह के कई फिल्मों में काम करने के बाद राम गोपाल वर्मा की फिल्म रन में एक्टिंग करने का इन्हें मौका मिल गया। इसी दौरान आर माधवन की फिल्म 13B में भी इन्होंने काम किया था। जिसके बाद तमिल और तेलुगु में भी इन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जिसमें उन्हें खूब सराहा गया। इसके बाद नीतू चंद्रा ने बताया कि वह इन दिनों फिल्मों के अलावा नाटक भी कर रही है। उन्होंने कहा कि जब आप धूमधड़ाम में काम करते हैं तो आपको चारों तरफ देखना चाहिए। ऐसे में उनकी दिलचस्पी नाटकों की तरफ बढ़ी और उन्होंने नाटक के क्षेत्र में भी खूब काम किया। ये वो दौर था जब इन्हें फिल्में मिलती थी और नहीं मिलती थी। जब फिल्में नहीं मिलती थी तब जो है ये नाटकों की तरफ अपना रुख कर लेते थे। नीतू चंद्रा श्रीवास्तव डायरेक्टर केली मेडिसन की फिल्म
नेचर बैक डाउन रिवॉल्ट में एक्शन अवतार के रूप में काम किया है और वह हॉलीवुड की फिल्म में काम करने वाली पहली महिला अभिनेत्री बन गई थी जो कि बिहार से थी। फिल्म को लेकर बोलते हुए उन्होंने पटना में कहा था कि मुझे एक्शन फिल्म करने का शौक बहुत पहले से था, लेकिन इंडिया में उनका मौका नहीं मिल पाया। इस कारण से ऐसा लगता है कि कुछ अधूरा सा रह गया था। इसी फिल्म को लेकर बोलते हुए उन्होंने यह भी कहा कि साल 2017 में उन्होंने इरफान खान को एक मैसेज किया था, इस दौरान उन्होंने मेरी बहुत मदद की। उसके बाद हॉलीवुड में काम करने का अनुभव भी उन्होंने साझा किया। उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं बिहार का नाम हॉलीवुड में रोशन कर रहा हूँ, साथ ही साथ बॉलीवुड और भोजपुरी में तो उनका काम है ही। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं हॉलीवुड में भी अपनी एक अलग पहचान बना रहा हूँ। एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए नीतू चंद्रा ने बताया कि मेरी जर्नी एक सक्सेसफुल एक्टर की फेलियर स्टोरी है। उन्होंने कहा कि 13 नेशनल अवार्डेड फिल्म मेकर्स के साथ काम किया है, इतनी बड़ी बड़ी फिल्में करने के बाद भी मुझे कभी पहचान नहीं मिली। आखिर ऐसा क्या हुआ कि नीतू चंद्रा का करियर अचानक से फ्लॉप हो गया? इसी दौरान नीतू चंद्रा ने कहा कि क्या मुझे मौत की घाट उतार देना चाहिए था? क्या किसी को जाने के बाद उसकी काम की पहचान मिलती है? इसी दौरान एक घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि एक बिजनेसमैन ने एक बार उन्हें खरीदने की कोशिश की थी और उसने कहा था कि मैं तुम्हें 25 लाख रुपए दूंगा हर महीने, मेरी सैलरीड वाइफ बन जाओ। नीतू चंद्रा ने बताया कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, हर एक छोटी चीज को छपवाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, मैं इतना घबरा चुकी हूँ कि मैं अनवांटेड फील करती हूँ। इन बातों को कहते हुए नीतू चंद्रा रोने लगती है। नीतू यह भी कहती है कि मेरी मम्मी मुझे हिम्मत देती है, वो कहती है कि जहाँ तुम पहुँची हो वहाँ पहुँचना हर किसी की बात नहीं है, ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है। नीतू चंद्रा अपने लव लाइफ को लेकर भी चर्चा में रही। मीडिया की खबरों की माने तो रणदीप हुड्डा के साथ करीबी उनकी बढ़ने लगी थी, इसके बाद वो लगातार चर्चा में रही। हालांकि बाद के समय में रणदीप से अपने आप को इन्होंने अलग कर लिया। नीतू चंद्रा का अपना एक प्रोडक्शन हाउस है जिसका नाम है चंपारण टॉकीज। इनके भाई नितिन चंद्रा के निर्देशन में बनी फिल्म मिथिला मखान को राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। इन्होंने मई 2017 में डीडी नेशनल पर रंगोली एंकर के तौर पर काम किया था और ये खूब सुर्खियों में रही थी। साथ ही साथ इन्होंने कई बड़े ब्रांडेड के विज्ञापनों में भी काम किया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से भी नीतू चंद्रा की पिछले दिनों मुलाकात हुई, जिसमें बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने और OTT फिल्म पर जोर देने की बात कही जा रही है। ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि बिहार की बेटी प्रदेश का नाम रोशन करे और खूब तरक्की करे। तो चलते चलते आपको एक सवाल के साथ छोड़ जाता हूँ कि नीतू चंद्रा की वो कौन सी फिल्म है जो आपको खूब प्रभावित करती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।